खबर चौकी देवली से है, जहां पर हड़ौती गांव में कोरोना के संक्रमित मिलने के बाद में पूरे क्षेत्र में यहां पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि प्रशासन के हाथ पांव भी इस दौरान फूल पड़े। कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर संक्रमित व्यक्ति को टॉक के लिए रेफर किया। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के परिवार का सैंपल लेकर उसे होम आइसोलेट किया गया। आपको बता दें कि हड़ौती गांव निवासी बजरंग लाल पिछले दिनों टॉक से शहादत अस्पताल गया, जहां पर उसके कोरोना की जांच की गई, जिसमें उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि भी हुई। कोरोना पॉजिटिव से अब तक कछुतरा देवली उपखंड में भी एक कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। ये मामला दूनी के हड़ौती गांव का है, जहां उक्त व्यक्ति गत दिनों शहादत अस्पताल टोंक में उपचार के लिए गया था, जहां चिकित्सा विभाग की टीम ने उक्त व्यक्ति का सैंपल लिया। इसके बाद रिपोर्ट में व्यक्ति के संक्रमित होने की बात सामने आई। इस पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। देवली DSP रामचंद्र नेहरा समेत चिकित्सा विभाग की टीम गांव पहुंची, जहां संक्रमित व्यक्ति को टोंक रेफर कर दिया। वहीं घर के सदस्यों को होम आइसोलेट किया है। इसके अलावा घर के सदस्यों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया है। A1 TV से बातचीत करते हुए DSP रामचंद्र नेहरा ने बताया कि गांव को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, गांव में आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। A1 TV के लिए मनीष बाड़ी, देवली टोंक।